हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारे धाम। यशोदानन्दन व्रज जन रंजन, यमुना पीरावन चारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभु श्री राधा गोविंद देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के। तीसरे भाग के छठे अध्याय से श्रवण कर रहे थे। गोलोक में जो लीलाएं चल रही हैं उसका वर्णन कर रहे थे गोप कुमार। हमने देखा कि किस प्रकार से जब भगवान गाय चराने गए थे, इस प्रकार से यशोदा मैया ने उनको विदा किया था। ये रोज की लीला ऐसी थी, एक दिन की लीला है। भगवान इनको अपनी योग माया शक्ति से भुला देते तो एवरीडे की लीला सेम होती है, सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है, लेकिन भगवान पिछले दिन की लीला भुला देते। किस तरीके से यशोदा मैया 5 से 6 बार जब विदा करने गई थी, 5 से 6 बार कृष्ण के पास वापिस जाती, फिर वापिस घर की तरफ आती, फिर जाती, फिर घर की तरफ आती, फिर जाती, फिर घर की तरफ आती। जब कृष्ण गाय चराने जाए थे, यशोदा मैया रोती, उनके स्तनों से दूध बहने लगता, मोशनलेस जैसी वहीं खड़ी हो जाती, जैसे स्तंभित मूर्ति रहती, पेंटेड पिक्चर रहता, और दूर से देखती रहती जब तक कि उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता कृष्ण।
ये था उनका कृष्ण के प्रति प्रेम। जो है हमने कल के उसमें श्रवण किया कि जो गोपियां हैं वो फिर भी खड़ी रहती, गोपियां फिर भी उनके पीछे पीछे जा रही है, वन में उनका थ्रोट चौक हो गया, गला चौक हो गया, रो रो के वो गा नहीं पा रही थी। गाते गाते उन्होंने स्टार्ट किया था, कृष्ण गाय ग्वाल बाल गाय चराने जा रहे हैं, पीछे 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 गाते गाते जा रहे हैं, लेकिन अभी गला चौक हो गया, वो गा नहीं पा रही, आंखों में इतने आंसू हैं कि देख नहीं पा रही, उनके पैर लड़खड़ाने लगे, लज्जा और भय जो है कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ बोल भी नहीं सकती थी, और दुख के सागर में डूब गई थी और अपनी फीलिंग्स को नहीं कर पा रही थी भगवान के प्रति अपनी फीलिंग्स में। ये हमने कल श्रवण किया था, क्योंकि मूड जो गोपियों का मूड है वो यशोदा से भी ऊपर है। गोपियां इमोशन से कंट्रोल्ड हो गई, उनका जो नेचुरल शाइनेस था, लज्जा थी, जो गोपियों का सबसे बड़ा गुण था, नेचुरल शाइनेस, जिससे वो डेकोरेट रहती थी, उनका व्यक्तित्व, उन गोपियों का व्यक्तित्व जो शाइनेस से डेकोरेटेड रहता था, और उनका जो भय था कि बड़े लोग क्या कहेंगे, और बड़े जो है बाहर से गांव के बाहर बिना परमिशन के जा रही, बाकी गांव के लोग क्या कहेंगे, क्या सोच रहे होंगे, बिना जो उस समय जब कृष्ण को जा रहे थे, कृष्ण के सामने, बाकी समय वो सारा ध्यान रखती थी, लेकिन कृष्ण के लिए उन्होंने इन चीजों पर विचार भी नहीं किया। विलेज में अगर कृष्ण रहते तो उनको, उनके विरह को तो दूर कर सकती थी, कृष्ण को गले लगा लेती, बट क्योंकि अभी कृष्ण जा रहे हैं उस दिन के लिए तो जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रही। ये एवरीडे की लीला है, वो उनकी शक्ति भी छूट गई कि आज कि हम किस प्रकार रह सकते हैं कृष्ण के बिना, ये अभी एक दिन के लिए जा रहे हैं गाय चराने। पर यहाँ पे गोपियां को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी अपने आप को, इसलिए वो आनंद के सागर में डूबी हुई थी, ये दुख के सागर में डूबी थी। लेकिन ये जो गोपियों का जो दुख है, ये भौतिक दुख नहीं, जो जो व्यक्ति को अलग प्रकार की बीमारियां दे देता है, जो भौतिक दुख है, भौतिक कष्ट है, वो अनेक प्रकार की बीमारियां देता है, लेकिन ये जो गोपियों का दुख था ये आनंद देता था। ये दुख बाहर से विरह लगता था और रोती भी थी, करती थी, लेकिन अंदर से आनंद देता था। ये वो विरह है, ये वो दुख, ये दुख जो है सुख से भी ज्यादा है। ये जो वृंदावन का विरह दुख है, ये भौतिक संसार के सबसे बड़े सुख से करोड़ों गुना ज्यादा है वहां का दुख, तो वहां का सुख की क्या होगा। तो आज हम इसके बाद वाले 180 श्लोक से पढ़ेंगे। प्रजात बहिरा दुरातरम गतानाम तदंगनानाम हृदयक्षणानि जहार यत्नेन निवृत्त यंस्ता मुहु परावृत निरीक्षमाण। गोपियां बोलती जा रही, कृष्ण ने उनका हृदय चुरा लिया और आंखें चुरा ली इन यंग गोपियों। कृष्ण ने उनको ही दूर से स्टॉप किया, गोपियां इतनी दूर तक आ गई थी विलेज से, कुछ प्रयास के बाद दूर से कृष्ण उनको स्टॉप कर दिया। और जैसे गोपियां उनकी तरफ देखा, वो रिपीटेडली कृष्ण बोल रहे हैं वापस जाओ वापस जाओ। व्यग्रात्मनाथ तेनेष्ट दूतेन स्वयमेव च ग्रीमम उद्वरियत सप्रायमा दृष्ट्या यावश्यता मोह
भ्रू संकेत आदिना, भ्रू संकेता दिना लज्जा, भय जन्यता बलात्, संसति भिस्तस तन्मो बातुर अग्रे तदवाद अवस्थित। चिंता के कारण उन्होंने कृष्ण बार बार उनको आश्वासन दे रहे, मैं शाम को तो वापस आ रहा हूं। और फिर एक मैसेंजर को भेजा अपने गाय चराते, जब अपने बेचर को भेजा, और अपने संकेत भी दे रहे हैं, जेस्चर से भी बता रहे हैं, हाव भाव से भी। उन्होंने अपनी गर्दन को ऊंचा किया, स्ट्रेच किया, और उन गोपियों के ऊपर प्रेम के साथ दृष्टि डाली, ये सिग्नल किया, संकेत दिया अपने आईब्रो से। और उन्होंने ऐसा संकेत दिया कि गोपियां लज्जित भी हो जाए और डर भी जाए। कृष्ण ने दूर से ऐसा संकेत दिया। इस प्रकार से उन्होंने फोर्स किया गोपियों को स्टॉप करने के लिए, और वो भी यशोदा मैया के समान खड़ी हो गई वहीं पे एक जगह। फिर उन्होंने चलना बंद कर दिया, क्योंकि कृष्ण ने अभी उनको संकेत दिया था, लज्जा का भी संकेत था और भय का भी था। माता के साथ वो, जहाँ यशोदा माता रुक गई थी वहां पे वो भी मोशनलेस होकर उनके समान रुक गए। तात्पर्य, गोप ग्वाल बाल अभी जो कृष्ण के साथ जा रहे हैं, आप डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हैं, घने वन में जा रहे हैं, जो जो इन यंग गोपियों के लिए अनसेफ प्लेस है, असुरक्षित स्थान है, उस घने जंगल में जा रहे हैं। तो कृष्ण को उनको वापस भेजना पड़ा और एक मैसेंजर को भेजा, एक मैसेंजर को भेजा, और अपने जेस्चर से किया, अपनी आंखों की आईब्रो से उनको संकेत किया, अपना सिर हिलाया और जीभ काटने लगे, जीवा का ये जो जीवा की टिप काटने लगे। इस प्रकार से उन्होंने गोपियों को दूर से, इतनी दूर से कन्विंस किया कि नहीं आना है आगे। तो गोपियों ने फिर माता यशोदा के साथ वहीं पे खड़ी रही, उसी हिल पे पिक्चर जैसी खड़ी रही और जोर जोर से रोने लगी, जैसी माता यशोदा रो रही थी। ये था वृंदावन का एक दिन का गाय जाने का, गाय चराने का सीन, एक दिन का गाय चराने का। आगे बोलते हैं, बलवेंद्रश्च सुनुस्निग्ध, बलवेंद्रश्च सुनुस्निग्ध स्वत एव विशेषतः पत्नी वात्सल्य दृष्टाचा स्नेहो स्नेहो द्रकेना यंतरिह। नंद जो है जो ग्वाल बालों के राजा हैं, स्वाभाविक रूप से उनका कृष्ण के प्रति उतना लव था, लेकिन अपनी पत्नी यशोदा का लविंग कर्शन देख के वो तो उस अफेक्शन स्नेह के दास हो गए। इतना स्नेह, सर्व व्रज जन स्नेहा हारम पुत्रे विलोक्य तम वर्धयिता सहानो यातो वर्धहि सहानो यातो अपि दूरं त्यक्तुं न चक्षत। हालांकि नंद महाराज जो थे कृष्ण के साथ गए, दूर तक गए नंद महाराज कृष्ण के साथ, और उनके साथ जो थे बड़े वृद्ध गोप भी थे, लेकिन जब नंद ने देखा कि ब्रज के लोगों का जो उनका प्रेम का भार है, जो सहन कर रहे हैं विरह का, उनके पुत्र के लिए नंद नंद बाबा जो है वापस नहीं आ पा रहे। तो नंद बाबा तो राजा थे, काउगढ़ ग्वाल बालों के राजा थे। नंद सामान्यतः पुजारियों से, पृष्ठ से, सलाहकारों से और दूसरे ब्रजवासियों से घिरे रहते थे। तो नंद के साथ कई और लीडर भी थे जो समाज के, उनके बड़े भाई उपनंद थे। तो लेकिन उन सब का कंफर्ट का ध्यान रखते हुए भी नंद वापिस नहीं आ पा रहे थे।
पुत्र को छोड़। शुभानी शकुना शुभानी शकुनानी उच्चेत पश्व नीनाम चहस्तम संलक्ष्यांत पृष्टोपि पुत्र विच्छेद कातर। नंद जो था डिलाइटेड था, प्रसन्न थे नंद महाराज, इतने शुभ लक्षण हो रहे थे, ऑस्पिशियस ओमेंस हो रहे थे इतने सारे शुभ लक्षणों को देखकर, और देखा कि पशु और दूसरे पक्षी भी जीव भी बहुत प्रसन्न है। लेकिन उनको पर्सनली दुख हो रहा था कि उनको कृष्ण से विरह लेना पड़ रहा। पशु भी शुभ चिन्ह बता रहे थे, उनके फेस फुल थे, बॉडीज और शरीर पूरे पूरे दिख रहे थे, और वो सब नंद महाराज की परिक्रमा कर रहे थे गोल गोल घूम के, सारे पशु हिरण पक्षी और दूसरे जो वन के प्राणी थे सब जमे थे, क्योंकि उनका सेपरेशन का टाइम नाइट था, पशुओं का कृष्ण से विरह का समय नाइट का था, लेकिन अभी तो दिन हुआ है, ये तो अभी मिलने का समय है। ब्रजवासियों के लिए विरह का समय है, लेकिन पशु पक्षी के लिए कृष्ण से मिलने का समय है अभी। आगे साग्रजम प्रथा गालिंग साग्रजम प्रथा आलिंग्य युग पश्चात्मज मोह शिरस्याग्रह च स्नेह भरा तो सुनी आवास रजत। बार बार वो कृष्ण को गले लगा रहे थे, क्योंकि नंद महाराज भी छोड़ नहीं रहे थे, कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम दोनों को एक साथ और कई बार अलग अलग गले लगा रहे थे। उन्होंने अपना सिर सूंघ रहे थे उनका, और उनके प्रेम के कारण जो विरह होने वाला था उसमें आंसू बहा रहे थे नंद महाराज जी। अथ प्रणम्य पुत्रेण कृत्यम दर्शयता बहु प्रस्थापित परावृत्य तमेव लोक यनस्थित। तब कृष्ण जो है नंद महाराज के सामने झुके, और नंद महाराज को छोटे बालक कृष्ण ने नंद महाराज को याद दिलाए कि महाराज पिताजी आपको तो कही अभी ड्यूटी करनी है, गांव में वापिस जाइए, अभी हमारे पीछे मत आइए, पिताजी वापिस जाइए, सम्मान से बोला, पिताजी वापिस जाइए, आपके तो बहुत सारे कार्य हैं अभी। इस प्रकार से उनको वापिस भेजा। वापिस मुड़ते समय नंद जो है वहीं पे मूर्ति जैसे खड़े हो गए, और केवल कृष्ण की तरफ देखने लगे, कुछ और देख नहीं पा रहे। तात्पर्य कृष्ण ने नंद को कन्विंस किया कि आपको घर पे जरूरत है, सभी विलेजर जो है गांव वाले इंतजार कर रहे होंगे, मेरी उपस्थिति में तो और भी ज्यादा निराश हो गएंगे, आप जल्दी से जाइए। और नंद महाराज को आफ्टरनून में जाके विलेज को डेकोरेट भी करना है कृष्ण का रिटर्न के लिए, तो डेली की क्रिया थी, डेली डेकोरेट करते थे कृष्ण के आगमन, उनका डेली फेस्टिवल रहता था, डेली कृष्ण को डेकोरेट कर, डेली विलेज को डेकोरेट करते थे, कृष्ण गाय चरा के आते थे, ये है गोकुल वृंदावन। अरण्यांतरितो दूरे गतो पुत्रावलोकयन शब्दम कंश्चित अश्रुवंश निर्भवत ब्रजम प्रति। जब नंद महाराज के दोनों पुत्र इतने गहरे में चले गए वन में, मतलब कृष्ण बलराम वगैरह वन में चले गए, वो उनको देख नहीं पाए, नंद महाराज उनको देख नहीं पाए या कोई ध्वनि नहीं सुन पाए, और वो फाइनली फिर से गांव की तरफ चले गए नंद महाराज।
तात्पर्य थोड़ी देर के लिए जब गोपबाल और दूसरे जो एनिमल से बहुत दूर चले गए, थोड़ी ध्वनि कुछ भी आ रही थी जैसे गाय जोर से रमा रही थी और हॉर्न बज रहे थे। जब पर वो ध्वनि खत्म हो गई तो नंद महाराज घर चले गए। नियुज जांगी कान भ्रत्यान तद वार्ता रनया सह नियुज जांगी कान भ्रत्यान तद वार्ता हृदय हर हरनया स गोपीर भीर अन्वितम पत्नीम शांत वही यत्वा नयद ग्रहान। उन्होंने कुछ सर्वेंट को भेजा, नंद महाराज घर आ गए, फिर वहां से सर्वेंट को भेजा, कुछ सेवकों को भेजा कि कृष्ण क्या कर रहे हैं वहां पे, जंगल में चले गए कृष्ण, कृष्ण वहां पे क्या कर रहे हैं। देन उन्होंने अपनी पत्नी यशोदा को कंसोल किया और गोपियों को, और सब गोपियां यशोदा सब मिलके वापस गांव की तरफ गए। तस्तु तस्य विलासांस्तन गायंत विभीषुजम दिन मारे भिरी ने तुम दिनम मारे भिरे ने तुम ध्यायंत सदस्य संगमम। जो गोपियां थी कृष्ण की लीलाओं को गाने लगी और इस तरह से कृष्ण की लीलाओं को गाते गाते गांव में प्रवेश करी, जहां पे उन्होंने दिन को शुरुआत किया कृष्ण को याद करते गए। सुबह सुबह छोड़ के आ गए, एकदम सुबह सुबह गोपियां, और अभी घर का काम करेंगे। उनकी कंपनी कृष्ण का जो संग था, जितना भी टाइम मिला उसको याद करते गए। कृष्ण से विरह को कैसे निकालते थे, कृष्ण के जैसा संग थे उसको याद करते गए। तात्पर्य बताते, गोपीज और कृष्णास ग्रेटेस्ट डिवोटी, महानतम है गोपियां, उनको उनका प्रेम जो है कृष्ण के साथ में नंद महाराज से भी ज्यादा तीव्र है, और दूसरे जो गोप ग्वाल बाल स्त्रियों से भी। गोपियों ने पूरा दिन पूरे संकीर्तन में कृष्ण के बारे में सिंगिंग करती रहती सारी, और फिर लास्ट डांस में जो गीत गाया उसको याद करती रहती थी, और जो दूसरी लीलाएं कृष्ण के साथ शेयर की उसमें करती रहती, वो याद करती थी कि किस प्रकार से उन्होंने ये लीलाएं याद की है कृष्ण की, और सोचती थी कि भगवान कृष्ण के साथ, भगवान तो मानती कृष्ण के साथ ऐसी और लीलाएं हो, बस यही सोचती रहती। तो कुछ ऐसे जो गीत हैं वो दसवें स्कंद में दिए हुए, युगल गीत और दूसरे गीत। आगे बोला, वाम वाम बहुकृत वाम कपोलो वल्गीत भ्रूर अधरार्पित वेणु कोमलांग कोमलांगुलभिर आश्रित मार्गम गोप्यात्र तार्यत यत्र मुकुंद व्योमायान्म नितास सिद्धे विस्मित सतद उपधारी सालज काम मार्गन समर्पिता चित्त कस्मालम जयूर अपसामृत निगम। जब मुकुंद बंसी को बजाते हैं, जो उन्होंने अपने होठों पे रख रखी, तो उसके होल को स्टॉप कर देते बंसी के अपनी कोमल उंगलियों से,
और अपने लेफ्ट चीक को अपने लेफ्ट आर्म पे रख देते हैं और अपनी आईब्रो को डांस करवाते हैं, बांसुरी के साथ साथ में अपने आईब्रो को, भ्रों को डांस करवाते हैं कृष्ण। उस समय डेमी गॉडेस जो आकाश में जो देवियां हैं जो जा रही हैं और अपने हस्बैंड के साथ में सिद्धास और उसके अलावा सिद्ध हैं जो, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जो जो स्त्रियां देव स्त्रियां देवताओं की पत्नी जब उसकी सुनती हैं तो उनका मन जो है कृष्ण में लग जाता है और इस प्रकार से उनके बाल बिखर जाते हैं, गारमेंट्स लूज हो जाते हैं, वो अपनी सुधबुद भूल जाती है। आकाश में देवताओं के साथ जारी कृष्ण की बांसुरी, तत्तद् विशेषो निर्वाच्यो अनंत शक्त्यापि न परः महार्ती जनके तस्मिन् कौवा धीमान परवर्तते। अगर कोई किसके पास अनंत शक्ति हो वो भी इन डीलिंग्स को कृष्ण की अपने भक्तों के साथ जो डीलिंग्स है जो लेन देन है उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसको याद रखते हैं। भौतिक जगत के लेन देन को व्यक्ति जितना जल्दी वो भूल जाना चाहता है क्योंकि दुख का लेन देन है, इसमें देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। पर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है क्यों ट्राई करेगा, क्योंकि इससे और ज्यादा डिस्ट्रेस उत्पन्न होगा। तात्पर्य में जो मथुरा का ब्राह्मण था जिसको गोप कुमार सुना रहे हैं वो ईगर था, उत्सुक था कृष्ण के किसी भी दिन का एक बोल दी। जब से माता उनको जगाती है तब जब से लाके वापिस इवनिंग में रिटर्न होता है तो सुनने के लिए उत्सुक था ब्राह्मण। तो अनंत जो स्वरूप है गोप कुमार कहते हैं कोई व्यक्ति जो अनंत शेष के बराबर हो वही आपकी मांग को पूरा कर सकते। अनंत शेष जिसमें हजारों लाखों मुख है, अनंत शेष वही केवल जो है वो अनंत शेष ही केवल इसको वर्णन कर सकता, मैं बता नहीं सकता पूरे। पर जो ब्राह्मण जो है बोल सकता है सामने माया बलेन भवतपि निगु यमनाम पश्यन्ति केचित्। कुछ लोग ब्राह्मण भगवान से बोल सकता है कि कुछ लोग देख सकते हैं आपकी माया शक्ति से कि आप छुपे हुए हैं। ब्राह्मण बोल सकता है कि स्वरूप तो वास्तव में महान भक्त है और वो कुछ भी कर सकता है, वो स्वरूप जो है उनको कुछ भी बता सकता है क्योंकि महान भक्त है, स्वरूप सारी चीजों का वर्णन कर सकता है। लेकिन स्वरूप बोलते मैं नहीं कर सकता, वो अनंत लीलाएं हैं भगवान की। तो ब्राह्मण बोल सकता है कि मेरे को कुछ तो बता दो उसमें से लीलाओं में। नो, स्वरूप बोलता है एक बुद्धिमान व्यक्ति को अगर ये सुन लेगा लीलाएं तो उसके जीवन में अप्रसन्नता आ जाएगी और पूरे संसार में अप्रसन्नता आ जाएगी, भगवान की लीलाएं सुन लेगा। और अगर कोई ऐसा कर लेता है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। एवन बादरणी व्यास के पुत्र भी जो हैं उन्होंने इसको श्रीमद् भागवत में पूरा वर्णन नहीं किया
कि ब्रजवासियों का जो डेली विरह होता है कृष्ण से वो कैसा होता है, ये वर्णन नहीं किया। सतु प्रस्थापि तह स्वांतर, सतु प्रस्थापि तह स्वांतर आर्तो अपि सखी भीर बलात् नितो अग्रे प्रवासित नितो अग्रे प्राविशत्तुर्न श्रीमद् वृंदावनांतरम। कृष्ण जो है, कृष्ण को बहुत हृदय भारी हो गया जब गोपियों को उन्होंने वापस भेजा, पर उनके फ्रेंड मित्रों ने क्विकली उनको खींच लिया और ब्यूटीफुल वृंदावन फॉरेस्ट में कृष्ण एंटर कर गए। संदर्श्यमान सखी भी सतु वृंदावन श्रियम स्वयं चवर्ण युक्ता स्वयं चवर्ण स्वयं चवर्ण्या युक्ता निर्गताधीर इवा भवत। और जैसा कि उनके साथियों ने वृंदावन के ऐश्वर्य की तरफ इंगित किया और उसके बाद जैसे उन्होंने अपने आप को वर्णन किया, और अपनी प्रशंसा को और अपने तर्क को सपोर्ट किया, तो कृष्ण जो है चिंता से मुक्त हो गए, आध्यात्मिक चिंता थी। जब कृष्ण के मित्रों ने वृंदावन का ऐश्वर्य दिखाया, इधर देखो और उन्होंने जब कृष्ण ने स्वयं वृंदावन की प्रशंसा की, तो वो जो है चिंताओं से दुख से मुक्त हो गए। तो आगे इस श्लोक से लेके आगे तक जो है हम सुनेंगे कि किस प्रकार से कृष्ण जो है उस दुख को सहन कर पाए गोपियों से विरह के। जैसा कि इसमें पहले भी लिखा है कि शब्द तू, जो कृष्ण ने दुख से किया, कृष्ण ने जो दुख का अनुभव किया वो गोपियों से ज्यादा था। ग्वाल बालों को कृष्ण को खींचना पड़ा ओ फोर्स के साथ में, नहीं तो गोपियां और कृष्ण एक दूसरे की तरफ दृष्टि हटा ही नहीं रहे थे, कभी भी हटाते नहीं। बालक खींच के, ग्वाल बाल थे, उनको खींच के गहरे जंगल में ले गए, गहरे वन में ले गए, जहां पे वो बालिकाएं गोपियां जा नहीं सकती थी। आपको कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों को और यशोदा मैया को तो भेज दिया था, बट यहाँ पे गोपियों को विशेष रूप से बोला गया है क्योंकि उनका हृदय का दुख था जो सबसे ज्यादा था। और जो शब्द इवा बताता है कि फॉरेस्ट में जाने के बाद में अपने मित्रों के पास साथ में भी कृष्ण जो है गोपियों के बारे में जो चिंता थी उसको रिलीव नहीं कर पा रहे थे। एक बार कृष्ण ने उस वृंदावन की प्रशंसा की अपने भाई बलराम जी की महिमा को गाने के बहाने, जैसे कि हम श्री सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं, अहो अमी देव वरा मरा चितम पदा भुजं ते शमना फलारहनम नमन्ति उपाध्याय शिखा भीर आत्मनस तमो अपहत्याय तरुजन्म यत्कृतम। बलराम जी से कृष्ण बोलते हैं, ओ भगवानों में श्रेष्ठ, देखो किस प्रकार से जो वृक्ष हैं
आपके सामने अपना सिर झुका रहे हैं, आपके चरण कमलों के सामने अपना सिर झुका रहे हैं, आपके चरण कमल जो बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित हैं, ये जो वृक्ष हैं आपको फ्रूट दे रहे हैं, फ्लावर ऑफर कर रहे हैं, अपनी उस अज्ञानता को हटाने के लिए जो अज्ञानता उनके पास में वृक्ष के रूप में जन्म लेने के लिए आई। ततो तनोद्या सेतु कोप विभ्रमान अतो भजन्या दृष्टम चराचर दान तत्व्रतम उपासितं भवेत कथं परिस्मन् रसना निरूपये। उनका जो घूमना फिरना था, उनका जो भ्रमण था जो ग्वाल बालों के साथ, और जो आनंद का अनुभव करे थे जो सारे जीव वहां पर चर और अचर, कोई व्यक्ति इसका ध्यान अपने हृदय में अगर ध्यान भी कर ले तो उसकी कल्पना नहीं कर सकता है कि कितना आनंद था सभी जीवों में। कोई इसके बारे में विचार नहीं कर सकता, चाहे अपने हृदय में कितना भी ध्यान कर ले, तो जीवा कैसे वर्णन कर सकती किसी और को। गोवर्धनाद्री निकट सुसचारियंगा रेमे कलिदंतन्यांबु निपाये अस्ता शायम तथेव पुनरेत निजम रजम तम विक्रड़ती वज वधुधो मिरसो ब्रजेश। गोवर्धन के हिल के अराउंड आसपास उन्होंने एंजॉय किया गायों को चराना और यमुना का पानी पीना, गायों को यमुना पानी पीना, उनका चराना। और जैसे जैसे इवनिंग आता जा रहा था, अभी ब्रज के भगवान ब्रजेश या ब्रजेंद्र अपने गांव की तरफ जाने लगे और वहां पर जाकर, वहां पर पहुंचकर वो ब्रज की गोपियों से खेलते हैं। ये शॉर्ट समरी है कृष्ण का एक्टिविटी की, डे एंड नाइट की। जो गोपियां हैं और ब्रज में हर कोई है, वो केवल कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए है। गोपियां और हर वस्तु और हर व्यक्ति जो भी ब्रज में है, केवल कृष्ण के, केवल मात्र कृष्ण के एंजॉयमेंट के। श्री गोप राजस यदा पयोसे पुरी नंदीश राखे विषे विराजते तेतस्य कृष्णस्य मतानुवर्तिन कुंजादिरासं बहुमन्यते सदा। हालांकि जो ग्वाल बालों के जो ऐश्वर्यपूर्ण राजा हैं, उनकी राजधानी नंदीश्वर में उज्ज्वलित हो रही है, जो ब्रजवासी हैं, लेकिन जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण के पसंद के अनुसार हमेशा सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं? वो महल में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा कृष्ण की लीलाओं को कुंजों में और वन में दूसरी जगहों पे, कुंजों में और वन में दूसरी जगहों में उसके बारे में सोचते रहते। तात्पर्य जो सारी मधुरता है नंद महाराज के टाउन की, वो नंद महाराज के टाउन जो ब्रज की,
वो वैकुंठ से कई गुना ज्यादा है। और कृष्ण जो वैकुंठ के जो ब्रज के निवासी हैं हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते हैं, खेलते वृक्षों के बीच में खेलते हुए, लताओं के बीच में खेलते हुए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण बहुत एंजॉय करते हैं। तत्रैव वसता ब्रह्मण आनंदो यो अनुभूयते सुखम यंच सवा तत्वा कीदृग इति उचया तम कथम। ओ ब्राह्मण, जो संतुष्टि और आनंद है जो एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है गोलोक वृंदावन में रहते हुए, वो वर्णन के बाहर है। उसकी किससे तुलना की जा सकती है उस आनंद से, जो गोलोक वृंदावन में रहने का जो आनंद है, जो वहां पे सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, वो डिस्क्रिप्शन के वर्णन के बाहर है। इसकी तुलना किससे की जाती है, उस आनंद की तुलना किससे की जा सकती है? तो तात्पर्य आध्यात्मिक नियमों के अनुसार सुख मतलब संतुष्टि जो है वो आनंद का कारण है। दूसरे शब्दों में सुख आध्यात्मिक आनंद का बाहरी चीज है और आनंद जो है इंटरनल चीज है, और दोनों चीज जो है भौतिक अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, भौतिक अंडरस्टैंडिंग के, भौतिक समझ के बाहर। मुक्तानां सुखतो अत्यंतम महद वैकुंठवासीनां भागवत भक्ति महा भागवत भक्ति महात्म्यद उक्तम तद्वेदी भी सुखम। क्योंकि डिवोशनल सर्विस है जो भगवान के प्रति जो सुबह से इतनी अद्भुत है, भगवान की डिवोशनल सर्विस इतनी अद्भुत है कि जो लोग इसको वास्तव में जानते हैं वो कहते हैं कि जो वैकुंठ के निवासी जो हैप्पीनेस टेस्ट करते हैं वो मुक्ति से करोड़ों गुना ज्यादा है। अयोध्या द्वारवती अति वासीनां च ततोपि ततः उक्तम रस विशेषेण केनचित महत्। और उन आत्माओं की हैप्पीनेस और उन आत्माओं की उन जीवों की है प्रसन्नता जो अयोध्या में द्वारका में रहते हैं वो वैकुंठ से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उसमें अलग अलग टेस्ट है। तो हमने तात्पर्य हमने सुना है कि अयोध्या द्वारका में भगवान के डिवोटी उनको सेवा करते हैं विशेष अंतरंग भाव के साथ, जैसे रघुनाथ जी के जो नित्य सेवक हैं रघुनाथ जी की सेवा जो है भक्तों के संग में वैकुंठ की सेवा से ऊपर है, और उससे भी ज्यादा द्वारका की सेवा है। अयोध्या के निवासी जो हैं भगवान की पर्सनल सेवा का आनंद लेते हैं, पर जो द्वारका के निवासी है वो भगवान से अपना
मित्रता का भाव लेके विशेष अधिकार प्राप्त है। गोलोक वासी नाम यत्त सर्वतो अपि अधिकाधिकम्। सुखम तदयुक्ति ऐक्रांतम दध्याद वाची कथम पदम। लेकिन जो गोलोक के सबसे ऊपर गोलोक के निवासियों का जो आनंद है किसी भी आनंद से बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है इसका कोई रीजन नहीं दिया सकता। इसके लिए शब्दों के लिए कोई रूम नहीं, शब्दों के लिए कोई जगह नहीं गोलोक का आनंद का। तस्यानुभवी नो नित्यम तत्रत्यैव ते विदु तत्त्वं येहि प्रभोस्तस्य तादृक साहुद्र गोचर। जो लोग गोलोक में रहते हैं और हम और वो उस आनंद का लाभ उठाते हैं वो इसके सही स्वभाव से परिचित है, क्योंकि भगवान की ऐसी फ्रेंडली फीलिंग रहती है गोलोक वालों के साथ। एशाम एवा तरस्ते, एशाम एवा वा तरस्ते नित्या वैकुंठ पार्षदा प्रपंचांतर गतास्तेषम प्रतिरूप सुरा यथा यथा च तेषां देवानां अवतार धारा तले क्रीडां च किष्टो विष्णु भवन्ति प्रीतये मोह। जैसे डेमिगॉड जो होते हैं वो भौतिक जगत में भगवान के वैकुंठ के पार्षदों जैसे रहते हैं, भौतिक जगत में जैसे आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में जो पार्षद रहते हैं उनके उनके समान रहते हैं, लेकिन भौतिक जगत में। जो वैकुंठ के नित्य पार्षद हैं वो गोलोक के ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी कि जो वैकुंठ के नित्य पार्षद हैं वो वास्तव में गोलोक के डिवोटी के अवतार हैं। जो वैकुंठ में पार्षद हैं वो गोलोक के भक्तों के अवतार हैं, लेकिन देवताओं के समान ही वही भक्त पृथ्वी पे आते हैं अभी और बार बार भगवान के डेमीगॉड के समान वही भक्त जो है पृथ्वी में आए हैं बार बार आते रहते हैं भगवान विष्णु के लिए, जब वो अलग अलग लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि जो ब्रजवासी पृथ्वी पे आए थे कृष्ण की लीला के समय 5000 साल पहले वो देवताओं के अवतार थे। नंद महाराज जैसे अवतार बोला जाता है वसु, द्रोण नाम की वसु का, अगर इसका ऐसा कैसे समझा जाए तो ये समझ कि जो पृथ्वी पे जब तो फिर ये संभावना को नकार देता है कि ब्रजवासी जो है भगवान के नित्य संगी। लेकिन वास्तव में सत्य तो है इसका अपोजिट है। जैसा शास्त्र में पद्म पुराण में कहा गया है जो देवता है जैसे द्रोण, ये ओरिजिनल ब्रजवासियों के विस्तार है, अंशावतार है। और ओरिजिनल ब्रजवासी जो आते हैं जब कृष्ण यहाँ पे पृथ्वी पे आते हैं,
गोपराज नंद और दूसरे जो भक्त है गोलोक वृंदावन के, वो वैकुंठ में अवतार लेते हैं और श्री नंद बनते हैं और दूसरे नारायण के पार्षद बनते हैं। तो ये सेम डिवोटी जो है दो जगत में, दो आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में और गोलोक वृंदावन में आनंद प्राप्त करती लीला का गोकुल वैकुंठ। तो इसलिए कहना अनुचित होगा कि जो वैकुंठ के भगवान के पार्षद रहते हैं नारायण के, वो अवतार हैं, वो नित्य नहीं है। यही जो नारायण के जो पार्षद हैं ये भी अवतार लेते हैं भौतिक जगत में और डेमी गॉड बनते हैं। ये बहुत सुंदर तरीके से बताया। इसको अवतार नहीं बोला जाता क्योंकि जो डेमी गॉड होते हैं वो मटेरियल कंडीशन लिविंग बींग रहते हैं, फिर भी ये जो डेमी गॉड रहते हैं ये भगवान के पास रहते हैं, शक्तिशाली शक्तावेश अवतार रहते हैं। आगे कुछ श्लोकों में जो स्वरूप है गोप कुमार वो डिस्क्राइब करेंगे कि जो गोलोक वासियों का अवतार जो रहता है वो कृष्ण के अवतार के समान रहता है। जैसे कृष्ण का अवतारों से अभिन्न है, उसी प्रकार से जो पृथ्वी पे कृष्ण के पार्षद हैं वो ओरिजिनल गोलोक के पार्षदों से अभिन्न है। आगे शब्द बोला गया है प्रतिरूप को अवतार के समान माना जा सकता है। तो भगवान के जो वैकुंठ के जो भगवान के वैकुंठ जो पार्षद हैं जो गोलोकवासी का अवतार हैं वो वास्तव में उनके प्रतिबिंब में गोलोकवासियों के, और जो देवताओं के बीच जो आते हैं वो अवतार लेके विस्तार लेके वो उनका प्रतिच्छाया है, एक प्रतिबिंब में और एक प्रतिच्छाया। दोनों जो है प्रतिबिंब और छाया दोनों उनका अनुसरण करते हैं विस्तार के रूप में, बट जो छाया है वो उसमें कम पावर है बजाय उनके प्रतिबिंब के। तो इसलिए नंद महाराज जो पृथ्वी पे आते हैं अगर उनको द्रोण का अवतार बोला जाएगा, ये इसे कारण है कि दोनों ही अवतार हैं गोलोक में, नंद महाराज के अवतार। वास्तव में जो पृथ्वी पे नंद महाराज हैं भौम वृंदावन में वो सेम है जो गोलोक में वृंदावन है, और द्रोण जो है उनका केवल आंशिक विस्तार है। बट संसार की कैलकुलेशन के अनुसार जो डेमी गॉड हैं देवता हैं वो मनुष्य से सुपीरियर समझे जाते हैं। सो नंद जो पृथ्वी पे हैं उसको द्रोण का अवतार माना जाता है। इसलिए बोला गया है कि डेमी गॉड वसु द्रोण जो वसु जैसे देवता हैं वो पृथ्वी पे आते हैं भगवान विष्णु को असिस्ट करने के लिए, जो इंद्र के छोटे भाई हैं उनके आनंद के लिए। जैसे विष्णु के अवतार होते हैं भौतिक जगत में बहुत कम समय के लिए आते हैं पर बार बार आते हैं, भगवान के जो एसोसिएट के हैं भगवान के जो पार्षद हैं जो डेमीगॉड के रूप में आते हैं वो भी अवतरित लेते हैं पृथ्वी पे अवतार के रूप में जब आवश्यकता हो। जैसे नंद गोपराज जो है कृष्ण के नित्य गोलोक में नित्य फादर हैं, वो वैकुंठ में नारायण के पार्षद नंद बनते हैं और ओकेजनली वो पृथ्वी पे आते हैं अपने मूल रूप में। इसी प्रकार से बलराम जी जो मूल रूप से गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं अपने आप को वैकुंठ में भी प्रदर्शित करते हैं शेष के रूप में।
लेकिन फिर भी वो बलराम जी भी जो है देवताओं के रूप में आते हैं, पृथ्वी को धारण करने के लिए सातवें पाताल मतलब सातवें लोक में। कई बार वो पृथ्वी पे आते हैं स्वयं बलराम के रूप में, जो कृष्ण का मित्र श्री दामा गोलोक में वो गरुड़ में आता है, गरुड़ के रूप में है वैकुंठ में। एक तो वैकुंठ में भगवान के एसोसिएट के रूप में, और दूसरा जो है विनीता जो देवताओं में उनके पुत्र के रूप में। और वो कभी कभी पृथ्वी पे भी आते हैं श्री दामा के रूप में। कृष्ण के जो गोलोक में पित माता पिता हैं जो देवकी और वसुदेव हैं, वो सुतप और प्रश्नी के रूप में वैकुंठ में, कश्यप और अदिति के रूप में स्वर्ग में, और अपने ओरिजिनल रूप में वासुदेव के रूप में पृथ्वी पे कई बार आते हैं। तो दूसरे भक्तों के अवतार भी इसी प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। यथा अवतारा कृष्णस्य भिन्नस्तेना अवतारिणा तथेषाम अवतारस्ते न स्युर्येत समम पृथक। और जिस प्रकार से कृष्ण का जो अवतार है वो सारे अवतारों का स्रोत है और उनसे अभिन्न है, उसी प्रकार से गोलोक वासियों का जो अवतार है वो उनसे अभिन्न है। तात्पर्य जो गोलोक के निवासी होते हैं वो अपना नाम और दिखावा चेंज कर सकते हैं जब पृथ्वी पे आते हैं, पर फिर भी सही वही व्यक्ति हैं। जैसे वो जैसे भगवान के जो विस्तार हैं वो भगवान से अलग है, उसी प्रकार से जो डिवोटी नंद यशोदा जो वैकुंठ के रूप में आते हैं, वैकुंठ में पार्षद के रूप में आते हैं, ये ओरिजिनल गोलोक से अभिन्न है। कश्यप अदिति जो स्वर्ग में है वो इनकम्प्लीट पोर्शन है वासुदेव के, उनकी वायुदेव की के, ये तो डिफरेंट है वासुदेव की से जो पृथ्वी पे हैं, कुछ अंश में सेम है और कुछ अंश में अलग अलग है। कदापि अंशेन जयन्ते पूर्णत्वेन कदाचन यथा कालम यथा कार्य यथा स्थानम च कृष्णवत्। गोलोकवासी कई बार क्या होता है अंश अवतार में आते हैं और कई बार फुल अवतार में आते हैं। जैसे कृष्ण जो है वो भी अपने प्राकट्य में समय स्थान और आवश्यकता के अनुसार आते हैं। तो इस शब्द में जयंते हुए बोन होते हैं, उनका भी प्रादुर्भाव होता है, मतलब दो विजिबल होते हैं और डिसेंड करते हैं। जब भी उनकी आवश्यकता होती है वो पूर्ण और या आंशिक रूप में इस जगत में आते हैं। जैसे कृष्ण और उनके जो अवतार हैं ये इस चीज को क्लेरिफाई कर सकते हैं। पिछले युगों में कृष्ण जो है अपने कई अंशावतारों में इस जगत में आए थे, सतयुग में भगवान वराह के रूप में आए थे, द्वापर तो सतयुग में भगवान वराह आए थे, शुक्रपुरी बैकुंठ से आए थे पृथ्वी को उठाने के लिए, और द्वापर युग के अंत में वही कृष्ण जो आए मथुरा मंडल में अपने पूरे रूप में आए स्पेशल ब्लेसिंग ब्लिसफुल आनंद और लीलाएं करने के लिए, जिससे उनका प्रेममय भक्ति सारे जगत में प्रसिद्ध हो। उनकी प्रेम जो भक्ति का प्रेममय भक्ति है वो सारे जगत में, इस प्रकार से भगवान और उनके भक्त दोनों अवतार लेते हैं। भगवान और उनके भक्त दोनों प्रकार से अवतार लेते हैं। इस प्रकार से हमने सब विशेष वर्णन सुने कि किस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त भी गोकुलवासी भी अवतार लेते हैं। ये सब गोप कुमार जो जिसके नाम स्वरूप है अभी यहाँ पे वो बता रहे हैं।
इसके आगे भी वो वर्णन करेंगे गोलोक वृंदावन का, अभी समय होने जा रहा है तो हम इसके यहीं पर विराम लेते हैं। इसके आगे का जो वर्णन है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे, आज की क्लास में यहीं पर विराम लेते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।